इन स्विंग योकर कराना बहुत मुश्किल काम है। जब आप करा रहे हो इन स्विंग तो कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि राइट इन पिच हो? यार देखिए, आपको आपके ऊपर है ना, आपने कितनी मेहनत की हुई है। और इन स्विंग यॉर्कर स्विंग करना आना एक डिफरेंट चीज है, और स्विंग को सही जगह पे करना या सीम को सही जगह पे करना वो एक डिफरेंट चीज है। वो आपके रिपीटिशन पे आपने कितनी बॉलिंग की है और आप कितनी आप मेहनत करते हो, तो उस हिसाब से आप जो है ना आपने अपने बॉलिंग को समझ लेते हो कि मैं कितने बॉल करूंगा तो कितने जगह पे गिरेंगे और कितने आपकी जो है ना स्केल अच्छी है। छह में से कितनी जाती है यूजुअली? छह में से यार ऐसा आप नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि क्रिकेट ऐसे एक अपना कॉन्फिडेंस होता है ना कि ये कंफर्म है। यार छह में से अब चार तो चले जाएंगे, चार तो यॉर्कर हो जाएंगे अच्छी जगह पे, उम्मीद तो यही है। बाकमाल में आप अपने नौजवानों को टिप देना चाहेंगे कि कैसे इन स्विंग करते हैं, कैसे आउट स्विंग करते हैं बॉल? यार नौजवान तो सही बताऊं, नौजवानों के लिए इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स यही है कि इससे ज्यादा जरूरी जो चीजें होती है वो दूसरी होती है जो हम पे भी असर करते हैं। तो आप इन स्विंग कराना और आउट स्विंग कराना ये बात की बात है, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टिकटॉक कम चलाना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा आपको अच्छा अच्छे इन स्विंग बन सकते हैं, आप भी अच्छे इन स्विंगर बन सकते हैं। आजकल के जो लोग हैं, हम लोग भी करते हैं, फोन सब यूज करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, क्योंकि मैं गांव से, मुझे पता है मैं लौरा के थोड़ा सा मेरा रूटीन बिगड़ा हुआ है। तो जितना आप एज अ फास्ट बॉलर टाइम पे सो जाते हो, टाइम पे उठते, अच्छी डाइट होती है, आपकी नेचुरल डाइट होती है, तो आप अच्छे अच्छे बॉलर बनते हो। तो इन स्विंग आउट स्विंग ये सब बात की बात है। नए लड़कों को रोजाना कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए? किस चीज की प्रैक्टिस? क्रिकेट की। अच्छा क्रिकेट की। यार देखिए, अब नए लड़कों को कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए उस हिसाब से देखना चाहिए कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन फास्ट बॉलर के डिफरेंट होते हैं, बैट्समैन के डिफरेंट होते हैं, तो अपने हिसाब से बस करनी चाहिए। अगर वो फास्ट बॉलर है तो उसको। आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं? मैं कितनी प्रैक्टिस करता हूँ, बस बॉलिंग लोड देखते हैं कितने ओवर करने चाहिए, कौन सा फॉर्मेट आ रहा है, और उसके हिसाब से अगर जिम देखे तो हमें ट्रेनर ने प्लान दिया होता है तो घंटे डेढ़ घंटे में वो खत्म हो जाता है। उसके अलावा आप बॉलिंग कर लेते हो, बैटिंग को टाइम दे देते हो, तो आपको अपना पता होता है एज अ प्रोफेशनल कि आपको कितना टाइम चाहिए, और जितना ज्यादा आप टाइम ग्राउंड को देते हो तो उतना अच्छा वो ग्राउंड भी आपको टाइम